हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IDBI बैंक लिमिटेड के बारे में। देखा जाए ये एक बैंक है जो कि बेसिकली काफ़ी एक टाइम पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। इस टाइम पे इसके हम लोग मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 92,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप आप लोग को देखने के लिए मिलता है। कंपनी के ऊपर कर्जे के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 3 लाख तक का कर्जा देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट 94% तक के स्टेक्स है कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग के पास प्रमोटर्स के पास देखने के लिए मिलते हैं। जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ का देखने के लिए मिलता है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट में जो ग्रोथ देखने की मिली है 55% तक की, सेल्स में जो ग्रोथ देखने मिली 9.89% तक की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे पिछले 1 साल में जो रिटर्न के बारे में बात करें तो 46% तक का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को कमा कर दिया है। 27% तक का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को रेगुलरली पे करता है, यानी कि अपने प्रॉफिट का 27% हिस्सा अपने जो शेयर होल्डर है उनको पे करता है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 2013 से लेकर अभी तक शेयर में आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिला है। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि शेयर कंटिन्यूस प्रॉफिट में देखने के लिए मिलता है, काफ़ी टाइम पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, काफ़ी टाइम पे लॉस भी देखने के लिए मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिस्कशन करें तो 94% तक की जो प्रमोटर्स होल्डिंग देखने के लिए मिलती है, 0.45% तक की FIL होल्डिंग, 0.15% तक की DIL होल्डिंग और 4% तक की जो आप लोग को इस शेयर में पब्लिक होल्डिंग देखने के लिए मिलती है। तो बात ये आती है क्या इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना सही है या फिर नहीं। तो देखिए गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि इस सेक्टर में आप लोग को अदर बैंक देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। अगर आप लोग को बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आप SBI भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इन बैंक को पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग को आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। बाकी मेरा यही मानना है कि अभी IDBI बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने से बचे आप लोग, इसकी जब वजह किसी और शेयर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग को अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है IDBI बैंक पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी और वीडियो को लेकर कोई और जानकारी अगर आप लोग को लेनी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव एन नाइस डे, सी यू सून। मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोग का पैसा आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क अपने एनालिसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।